इसको किस लिए बना रहे हैं? ये है हम पढ़ाई। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम कमल किशोर साहू है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। शिक्षा के ऊपर बन रहा है कि मतलब शिक्षा के लिए मतलब स्कूल जाना चाहिए बच्चों को। अच्छा। शिक्षा से इनकार नहीं करना चाहिए, मतलब जीवन में। ये क्या चीज़ फिगर है जी? ये वातावरण जो प्रदूषण फैला रहे हैं सब, उसको रोकने के लिए ये लोगो बनाया गया है, फिगर बनाया गया है इसके माध्यम से। नमस्कार, मैं हूँ सुनील साइमन और आप देख रहे हैं सुनील साइमन बॉक्स। गाइस, अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये है सीतामढ़ी जिला के राघोपुर बकरी गाँव। यहाँ पे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का आगमन होने वाला है। आगमन होने से पहले आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये विद्यालय है और इसके बाउंड्रीज पर कई प्रकार के चित्र को यहाँ पर देख सकते हैं बनाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिससे मैं थोड़ा सा आपको बात करने का कोशिश करता हूँ, बात करता हूँ। ये लोग कहाँ से हैं? आपका नाम क्या है? राम परीक्षण पासवान। अच्छा, कहाँ से आप लोग आए? मधुबनी जिला से। ककना गांव पड़ता है। कौन सा गांव? ककना गांव। कब से सर मतलब ये पेंटिंग का काम करते हैं आप? 20 वर्ष से कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ पे और लोग हैं जिससे मैं थोड़ा सा बात करने का कोशिश कर रहा हूँ। किसका पेंटिंग बन रहा है सर? स्वच्छता अभियान का। स्वच्छता अभियान वाला है, मतलब ये क्या चीज़ का बना रहा है? ये जो फिगर है, ये बैकग्राउंड है घर और उसको ये सफाई कर रहा है। अच्छा, सफाई कर रहा है। तो सफाई करते हुए दिखाया जा रहा है। अच्छा, मतलब ये जो है बैकग्राउंड घर है और उसको घर का जो अभी चित्र जो पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ। अच्छा, तो इसको घर सफाई करते हुए इस पर चित्र पर दिखाया जा रहा है ना। आइए, आगे भी कुछ लोग यहाँ पर जिनसे मैं थोड़ा सा बात करके आपको बात करने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम क्या है सर? वरुण प्रजापति। अच्छा, ये क्या चीज़ ये शिक्षा के ऊपर बन रहा है कि मतलब शिक्षा के लिए मतलब स्कूल जाना चाहिए बच्चों को। अच्छा। शिक्षा से इनकार नहीं करना चाहिए, मतलब जीवन बेकार है शिक्षा के बिना। अच्छा, स्कूल जाते हुए बच्चे दिखाए गए यहाँ पे। अच्छा, ये जो फिगर बन रहा है इसमें मतलब शिक्षा के अति पर फिगर बन रहा है कि मतलब स्कूल जाना चाहिए और शिक्षा जो है ग्रहण करना चाहिए, है ना? शिक्षा के बिना जो है जीवन बेकार है। आगे भी आप लोग को दिखाता हूँ। आपका नाम क्या सर? आशीष कुमार। अच्छा, ये क्या चीज़ का चित्र बन रहा है? ये गांधी जी है जो बच्चों को उपदेश दे रहे हैं। अच्छा, क्या चीज़ का उपदेश दे रहे हैं? अरे कुछ भी उपदेश, शिक्षा के उपदेश दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे गांधी जी का जो आप देख सकते हैं ऊपर फिगर दिया हुआ और ये बच्चों को मतलब उपदेश देता हुआ यहाँ पे चित्र बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आगे भी आप देख सकते हैं कि कई यहाँ पे ढेर सारी चित्र को यहाँ पर मतलब बनाया जा रहा है। यहाँ भी कुछ देख सकते हैं, इनसे थोड़ा सा बात करता। आपका नाम क्या है सर? रमेश कुमार। यहाँ पे क्या चीज़ का चित्र बन रहा है? ये पृथ्वी का चित्र बन रहा है। इसमें तीन ये चीनी की मिट्टी का है, ये आग का है, पेड़ का नक्शा बन रहा है, झोपड़ी का बन रहा है। अच्छा। ये बच्चा का है, ये नक्शा इधर में तैयार हो रहा है। अच्छा, मतलब ये जो आपको जो ये नक्शा दिया गया ना, आप देख सकते हैं ये नक्शा इनको दिया गया और ये नक्शा के तौर पर यहाँ पे इस जो बाउंड्री इस विद्यालय का इस पर ये लोग ना चित्रण कर रहे हैं ना। चलो, आप कहाँ से हैं सर? आप पटना से हैं। मतलब सभी लोग कहीं अलग अलग जगह पर? सब अलग अलग जगह। कितने वर्षों से ये काम करते हैं? ये 4 दिन हो गया। मतलब कितने वर्ष, कब से काम ये कर? 5 साल से कर रहे हैं। 5 साल से काम। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रदूषण को न फैलाए, वातावरण को शुद्ध बनाए। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी एक फिगर बनाया गया, ये भाई साहब बनाए हैं। इनसे थोड़ा मैं पूछता हूँ कि ये किस लिए बनाया गया और क्या चीज़ का है? ये क्या चीज़ का फिगर है जी? ये वातावरण जो प्रदूषण फैला रहे हैं सब, उसको रोकने के लिए ये लोगो बनाया गया है, फिगर बनाया गया है इसके माध्यम से समझाया जा रहा है कि प्रदूषण को न फैलाया जाए। अच्छा, ये जो फिगर बना है, इस फिगर के माध्यम से ये दर्शाया जा रहा है कि मतलब वातावरण को शुद्ध रखना है और प्रदूषण को कम से कम फैलाने का कोशिश किया जाए। यहाँ पर जितने भी आपको फिगर दिख रहा है किसी न किसी उद्देश्य से यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेव ट्री एंड सेव अर्थ, मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर आप पौधे को सुरक्षित रखते हैं तो आपका जो पृथ्वी जो वो सुरक्षित रहेगा। यहाँ पे इसलिए इस फिगर को दर्शाया गया है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये भाई साहब यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं। इनसे थोड़ा सा जानकारी लेता हूँ कि ये किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, इसको किस लिए बना रहे हैं। ये है हम पढ़ाई। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम कमल किशोर साहू है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से? जी। तो ये कब से काम कर रहे हैं आप? मैं तो मेरा 10 साल हो गया और मेरा बैचलर यूनिवर्सिटी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में हुआ है। अच्छा। और अभी मेरा बनारस में मास्टर हो रहा है जी, पढ़ाई बनारस में। अच्छा, ये जो तस्वीर आप बना रहे हैं यहाँ पे, मतलब किस चीज़ के लिए, मतलब किस उद्देश्य के लिए? मतलब देखिए, इसमें एक थीम चल रहा है जो पढ़ाई से रिलेटेड है,
तो देखिए हम जैसे बुक से पढ़ाई करते हैं, कुछ चीज़ को जानते हैं ना, तो पढ़ाई करके हम अपना उड़ान भर सकते हैं, बहुत दूर तक जा सकते हैं जी। तो इस तरह से हम पेंटिंग तैयार कर रहे हैं और लोगों को एक पेंटिंग के जरिए उद्देश्य दे रहे हैं, बिहार के लोगों को, दुनिया को, और बिहार को रंग बिरंगी दुनिया से दुनिया बना रहे हैं रंगों के माध्यम से। वो कहते हैं ना कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध होता है जिसको पा करके इंसान जो है बहुत बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये जो तस्वीर जो बनाया गया है, इसे इस चित्र के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है कि आप पढ़ लिख कर बड़े बड़े उड़ान हर एक सपना को पूरा कर सकते हैं, यही ना है? जी जी। ठीक है, तो थैंक यू आपको बात करने के लिए। ये कई सारे तस्वीर यहाँ पे बनाए गए हैं, इसीलिए बनाया गया है ताकि लोग जो है इस तस्वीर के माध्यम से मतलब देखे और इस पर काम करने की कोशिश करें, इसको मतलब अपने लाइफ में, जीवन में उतारे। तो लिखा हुआ है कन्या भ्रूण हत्या महापाप है। इसका मतलब होता है कि जो बच्ची जन्म लेती है, बच्ची, उसको आप हत्या नहीं कर सकते हैं, इस पर कानून कार्रवाई है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया गया है वो इस पर, इसीलिए इसको दर्शाया गया कि बेटी को भी बचाना है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ कई सारे चित्र बनाया गया है, ढेर सारे यहाँ पर चित्र बनाया गया है। और ये जो अभी ये जो विद्यालय है, ठीक है, ये आवासीय उच्च विद्यालय राघोपुर बकरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक तस्वीर बनाया गया है, यहाँ पर लिखा है बेटी को अधिकार दो, बेटा जैसा प्यार दो, बेटी को अधिकार दो बेटा जैसा प्यार दो। और यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम, सांसें हो रहे हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। कहने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, क्योंकि पेड़ के बिना ये पृथ्वी पर किसी भी जीव का होना संभव नहीं है, क्योंकि हम सारे जो ऑक्सीजन लेते हैं और जो छोड़ते हैं ये पेड़ पौधा के द्वारा ही संभव होता है। इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक तस्वीर बनाया गया है, यहाँ पर तो कुछ लिखा हुआ नहीं, पता नहीं किस चीज़ का तस्वीर बनाया गया है। यहाँ पर भी ढेर सारी यहाँ पर तस्वीर है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को मतलब बचाना है और बेटी को क्या करना है, पढ़ाना है। जितना आप लड़के को हक देते हैं उतना लड़की को भी हक देना है, पढ़ाई लिखाई में जोर देना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सुदृढ़ भारत समृद्ध भारत, यहाँ पे वृक्ष लगाए पर्यावरण बचाए, ढेर सारी है, जल है तो कल है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। और ये जो तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बनाया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ दहेज प्रथा एक अभी साप है, इस कुरीतियों को बंद करो। कहने का मतलब कि कोई भी बेटा हो या बेटी हो, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, वो दिया है कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है, दहेज मत दीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज़ और, हम सबकी हो जिम्मेवारी साफ सुथरी हो नगर हमारी। और यहाँ पे बहुत बढ़िया बात यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ो लिखो आगे बढ़ो सबसे, देखिए ये स्टार्ट, ये जो सीढ़ी बना हुआ है सफलता का सीढ़ी बना हुआ है, सबसे नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट, जो स्टार्टिंग होता है वो कहीं ना कहीं जीरो लेवल से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे स्टार्ट हार्ड वर्क, स्टार्ट करके हार्ड वर्क करोगे और तब जाके आपको लास्ट में सफलता मिलेगा, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ पर भी ढेर सारी तस्वीर बनाया गया है, जब तक रहेगी दहेज प्रथा बेटी रहेगी दुखी सदा। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप लोगों से मिलेंगे इसी तरह के किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहिए सुनील साइमन ब्लॉग्स।